हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे राम सेतु के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग राम सेतु के बारे में। राम सेतु यानी राम जी का पुल पंबन द्वीप के बीच चूना पत्थर की शिलाओं की एक श्रृंखला है, जिसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु के भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ है, जिसे कि मन्नार द्वीप के रूप में जाना जाता है। भूवैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच में एक भूमि कनेक्शन था। यह पुल 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को धनुषकोडी से अलग करता है। यह क्षेत्र शुष्क है, यहाँ लहरें भी बड़ी धीमी चलती हैं। लहरें धीमी चलने के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने समुद्र को आदेश दिया था कि वो अपनी लहरें यहाँ पर सीमित रखे। आज तक इस क्षेत्र में लहरें अत्यंत धीमी चलती हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के पहले तक ये पुल पैदल चलने योग्य था, लेकिन उस टाइम पे आए हुए तूफानों ने चैनल को गहरा कर दिया और मंदिरों के रिकॉर्ड से लगता है कि राम सेतु 1480 में एक चक्रवात में टूटने के पहले तक समुद्र के स्तर से पूरी तरह ऊपर था। वाल्मीकि द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में इस पुल का पहली बार उल्लेख किया गया था, जिसमें भगवान राम के पास उनकी वानर सेना थी जो लंका तक पहुंचने के लिए और अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए इसका निर्माण कर रही थी। इस पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था। दोस्तों, राम सेतु पुल भारत के पंबन द्वीप के धनुषकोडी से शॉलों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू होता है और श्रीलंका के मैनहोल द्वीप पर समाप्त होता है। पंबन द्वीप 2 किलोमीटर लंबे पंबन ब्रिज द्वारा भारतीय मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। मन्नार ब्रिज भी एक ब्रिज द्वारा श्रीलंका की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा को दुनिया के सबसे छोटी भूमि सीमाओं में से एक बोला जाता है। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु, रामेश्वरम, धनुषकोडी, देवीपत्तनम, थिरुपुलनी जैसे पड़ोसी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इस पुल का विश्लेषण करने पर मालूम चला कि कैलकेरियस लकीरें आयताकार ब्लॉक में टूट गईं, जिसने इस विश्वास को जन्म दिया कि यह एक कृत्रिम निर्माण है। सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग CRS ने मिस्टर रामास्वामी की टीम ने दावा किया कि समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग रामायण की तारीखों से काफी हद तक मेल खाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक S. बद्री नारायण ने कहा कि पूरे खिंचाव के लिए प्रवाल के नीचे रेत की ढीली परत की मौजूदगी के कारण राम सेतु, जिसे कि अंग्रेजों ने एडम ब्रिज बोला, का प्राकृतिक रूप से बनना असंभव है, क्योंकि मूंगा यानी कोरल आमतौर पर चट्टानों के ऊपर बनता है। 2007 में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के एक प्रकाशन ने कहा कि यह संरचना मानव निर्मित हो सकती है। लिंक नहर परियोजना के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राम सेतु मानव निर्मित संरचना है। दोस्तों, साइंस चैनल ने व्हाट ऑन अर्थ नामक एक श्रृंखला में एक एपिसोड प्रसारित किया था, जिसमें एडम ब्रिज, जिसको वो एडम ब्रिज बोलते हैं जो कि हमारा राम सेतु है, पर कुछ मिनटों का दावा किया गया था और यह दावा किया गया था कि भगवान राम की प्राचीन हिंदू संरचना का निर्माण सच हो सकता है। 1964 के चक्रवात के बाद रामेश्वरम से धनुषकोडी तक पहुंचने का सड़क संपर्क टूट गया था। अब आगंतुक स्थानीय वैन से राम सेतु पुल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर्यटक स्थानीय मंदिरों का दौरा कर सकते हैं और पुल में इस्तेमाल किए गए तैरते पत्थरों को देख सकते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट की इमेजेस से भी आप देख सकते हैं
कि राम सेतु पूरी रचना नजर आ रही है, भारत से लेके श्रीलंका तक। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत से श्रीलंका के बीच में एक पुल बना था और उसको अंग्रेज इतिहासकारों ने एडम ब्रिज का नाम दिया। दोस्तों, आप मौका निकाल के रामेश्वरम आए और राम सेतु के दर्शन करें। दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरै है, जो करीब 150 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन राम सेतु के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।